नमस्कार। घर में अचानक अगर सूतक या पातक लग जाए तो व्रत और पूजा से संबंधित क्या नियम होते हैं, सूतक पातक में व्रत और पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें इसी तरह की धार्मिक वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सूतक और पातक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सूतक पातक आखिर होता क्या है? तो सूतक होता है जनाना शौच और पातक होता है मरणा शौच। यानी कि सूतक मतलब जब भी घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो घर में कुछ दिनों की अशुद्धि मानी जाती है, जिसे सूतक कहते हैं। और पातक मतलब जब भी किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो घर में जो कुछ दिनों की अशुद्धि मानी जाती है उसे पातक कहते हैं। तो कितने दिनों की अशुद्धि होती है ये अपने अपने अलग अलग वर्णों के अनुसार अलग अलग दिन निर्धारित होते हैं, और साथ ही साथ अपनी अपनी घरों की परंपराओं के अनुसार भी ये दिन होते हैं। जैसे किसी के यहाँ 10 दिन, किसी के यहाँ 11 दिन, या फिर ऐसे ही पातक के दिनों में भी माना जाता है, यानी कि 13 दिन, 11 दिन, ये 10 दिन। तो अलग अलग वर्णों के अलग अलग दिन बताए गए हैं शास्त्रों में, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो जितने भी दिन आपके कुल परंपरा के अनुसार जो है माने जाते हैं, तो इन दिनों में जो है अशुद्धि मानी जाती है। और सूतक और पातक में घर में कोई भी पूजा पाठ से जुड़ा काम नहीं किया जाता है। जी हाँ भाई और बहनों, कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है। जैसे कि अगर घर में विग्रह भी रखे हैं, मूर्ति पूजा इत्यादि होती है, तो घर में इन मूर्तियों की भी पूजा नहीं की जाती, बिल्कुल पट बंद कर दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके घर में विग्रह रखें, उनकी पूजा हो, उनका स्नान चंदन जो भी होता था वो होता रहे, तो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं अपने विग्रह और उनसे जो है पूजा पाठ करवा सकते हैं, विग्रहों की सेवा करवा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण देव जो है आपके घर में ही कर सकते हैं। लेकिन घर का कोई सदस्य पूजा पाठ की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। किसी भी गतिविधि मतलब कोई भी जप पाठ होम इत्यादि घर में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण देव ही घर में कोई पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तक कि अगर शादी ब्याह हो रहे होते हैं या फिर कोई अनुष्ठान चल रहा होता है तो वो भी बंद हो जाता है। यानी कि अनुष्ठान केवल अगर पूरा करना है तो केवल ब्राह्मण देव ही कर सकते हैं, घर का कोई सदस्य इन चीज़ों में शामिल नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सूतक और पातक में व्रत के क्या नियम होते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सूतक में कोई भी नया व्रत तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम व्रत पहले से करते आ रहे होते हैं उनको क्या कैसे करें, तो उनके संबंध में ये है कि जो भी आप व्रत पहले से करते आ रहे हैं उनके आपको केवल शारीरिक कर्म करने हैं, यानी कि आपको केवल भूखा रहना है, आपको केवल व्रत करना है, लेकिन आपको व्रत की पूजा नहीं करनी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सूतक और पातक में अगर आप कोई व्रत इत्यादि मतलब शारीरिक कर्म करते हैं तो आपके फल का लोप नहीं होता, यानी कि आपको फल पूरा पूरा मिलता है। जैसे कि सेम सेम महिलाओं की पीरियड में अशुद्धि होती है तो वो केवल शारीरिक कर्म यानी कि केवल भूखे रह के व्रत करती हैं और पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होती, उसी प्रकार से सूतक पातक में भी केवल आपको व्रत करना है। यानी कि जैसे बहुत बड़े बड़े व्रत आ जाते हैं, करवा चौथ आ गया, फिर एकादशी, कुछ भी आ गया, तो आपको केवल शारीरिक कर्म करनी है, पूजा पाठ में शामिल नहीं होना है। अगली चीज क्या है कि कई बार क्या है कि महिलाएं 16 गुरुवार या 16 सोमवार व्रत कर रही हैं, तो उनका प्रश्न ये आता है कि क्या हम 16 गुरुवार या 16 सोमवार के व्रतों को गिनती में लें या फिर ना लें। तो इस संबंध में ये कहना चाहूंगी कि भले ही शास्त्रों में ये वर्णित है कि फल का लोप नहीं होता है, एक पहली बात तो ये है कि अगर आप सूतक पातक में व्रत छोड़ भी देते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है, व्रत खंडित नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग शारीरिक कर्म करते हैं, करना चाहिए, भूखे रहना चाहिए, आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो। लेकिन अब यह बात ये आती है कि 16 सोमवार और 16 गुरुवार, तो इन व्रतों को अगर हमने शारीरिक कर्म किया है यानी कि भूखे हम हैं, तो इन व्रतों को हम गिनती में लें या ना लें। तो इस संबंध में ये कहना चाहूँगी कि इन व्रतों को आप गिनती में ना लें जबकि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्यों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये केवल 16 ही तो व्रत हैं, कौन से हमको 2-4 साल व्रत करने हैं, गिनती के तो व्रत कर रहे हैं, पहली बात तो ये। तो जितनी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से भगवान की पूजा हो सके, कम संख्या की गिनती में जो है हम व्रत कर रहे हैं, और कई व्रत ऐसे होते हैं जिनमें पूजा का ही विशेष फल होता है, यानी कि और जब तक हम अपने हाथों से भगवान की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो पूजा अपने हाथों से करने में आनंद होता है, जो संतुष्टि अपने हाथों से पूजा पाठ करने में होती है, वो संतुष्टि किसी और के
करने में या फिर केवल भूखे रहने में नहीं होती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि इन व्रतों को गिनती में ना लें, भले ही आप व्रत ना छोड़ें, भूखे रह रहे हैं तो रह लें, लेकिन गिनती में ना लें। जब आप पूजा करें तभी आप व्रत को गिनती में लें, ठीक है। व्रत की अच्छी सफलता और जल्दी मनोकामना की पूर्ति के लिए कहना चाहूँगी कि अगर घर में सूतक पातक पड़ता है तो आप केवल शारीरिक कर्म करें, यानी कि केवल भूखे रह लें, लेकिन व्रत की पूजा ना करें और इन व्रतों को गिनती में भी ना लें। और अगर आप व्रत छोड़ देते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, सूतक पातक से संबंधित क्या नियम होते हैं। और अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी वार से संबंधित सभी व्रतों की पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूं, तो एक बार चैनल पर जरूर चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी आने वाले व्रतों से, त्योहारों से संबंधित धार्मिक वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।